नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं जिष्टर उपाध्याय। साल 2018 में सबरीमाला मंदिर में घुसने की कोशिश कर विवादों में आई रियाना फातिमा पर बीएसएनएल ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, बीएसएनएल ने टेलीकॉम टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त रियाना फातिमा को बर्खास्त कर दिया है। सरकारी दूरसंचार कंपनी ने यह कार्रवाई फातिमा की ओर से सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर की है। इससे पहले 2018 में विवादों में आने के बाद रियाना का पलारी वत्तुम के टेलीकॉम एक्सचेंज में तबादला कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएनएल ने रियाना के खिलाफ ये कार्रवाई कई शिकायतों को मिलने के बाद की है। उन्होंने बताया कि पब्लिक की ओर से उन्हें रियाना से संबंधित कई ऐसी तस्वीरें और वीडियोस भेजी गई जिनसे दावा किया गया कि उन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। बता दें कि रियाना फातिमा अक्सर विवादों में रहती हैं। इससे पहले भी बहुत बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के आरोप में उन पर मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी फातिमा अपनी आदतों से बाज नहीं आती हैं। वहीं केरल की रहने वाली रियाना फातिमा ने सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में जब प्रवेश करने की कोशिश की थी, उसके बाद केरल मुस्लिम जमात काउंसिल ने भी रियाना को मुस्लिम समुदाय से निष्कासित कर दिया था। काउंसिल की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि रियाना ने लाखों हिंदू श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके अलावा फातिमा ने 2018 में तरबूजों के साथ टॉपलेस फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। ये फोटो फातिमा की ओर से तब शेयर की गई थी जब कोझिकोड के एक प्रोफेसर ने महिलाओं के वक्ष की तुलना तरबूज से की थी। उस समय फातिमा की हरकत पर फेसबुक पर बहुत बवाल हुआ था। रियाना के फेसबुक पेज पर उनकी सारी पोस्ट से पता चलता है कि वो सोशल मीडिया पर किस तरह से गंद परोसने में लगी हुई है। रियाना के कारनामों की सूची इतनी ही नहीं, हाल ही में रियाना ने यूट्यूब पर एक कुकिंग वीडियो भी डाली थी। वीडियो में रियाना बीफ की रेसिपी बताती नजर आती है, मगर वीडियो की शुरुआत के 20 सेकंड में उन्हें बीफ की जगह गौमाता बोलते हुए सुना गया था। इस मामले में भी सोशल मीडिया पर उनकी बहुत आलोचना हुई थी। मैसूर के कृष्णराज इलाके के विधायक एस ए रामदास ने इस वीडियो पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से सवाल किया था और साथ ही हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने के आरोप में उस पर एक्शन की मांग की थी। जिस तरह से बीएसएनएल ने रियाना फातिमा को बर्खास्त कर दिया, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।